सिद्धि के बाद अब शाइस्ता खान को भेजा गया, खात्मा करो स्वराज का, औरंगजेब कह गया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उसकी जो लाल महल में रुक गया, राजे का सारा बचपन बीता जहां, ऐसे श्रद्धा स्थान को वो अपवित्र कर रहा। खान की फौज ने हर गांव ऐसे लूट लिया जैसे मानो स्वर्ग पे राक्षसों ने कब्जा कर लिया। धरती के वो देवराज अब कुछ रणनीति बना रहे, खान की मौत के लिए शायद काल को ही बुला रहे। रात फिर सहारा बनी न्याय की नई सुबह का, लाल महल की ओर बढ़ रहा था रथ हमारे इंद्र का। शादी में बाराती बन मौत खान की आई थी, स्वराज के इस यज्ञ कुंड में उसकी बलि चढ़ानी थी। तीन मराठे घुस गए गिदड़ों की उस फौज में, खान खोया था जब स्वराज जीतने के ख्वाब में। बेगम खान की चिल्ला उठी देख के नरसिंह को, जाग गया खान नींद से ढूंढ रहा तलवार को। बुझाकर सारी मशाले अंधेरा बेगम ने कर दिया, इसी का फायदा उठाए वो जनान खाने में भाग गया। भागते हुए उस असुर पर भवानी तलवार चली अंधेरे में, खान की चीख गूंज उठी फिर पूरे लाल महल में। महल का चप्पा चप्पा अब सैनिक छान मार रहे, कहां से आया कहां गया सब शिवा को ही ढूंढ रहे। मरा नहीं था खान, सिर्फ चार उंगलियां ही कटी थी, जान पर बनाई पर उंगलियों ने बचा लिया, ऐसी कायर उसकी सोच थी। बच गया खान पर डर शिवा का बैठ गया, 32 आप्तजनों की लाशें लिए खान दिल्ली भाग गया। खान भाग गया पर नुकसान स्वराज का हुआ था, प्रजा की ऐसी हालत देख प्रजापति वो खून के आंसू रोया था। इस नुकसान की भरपाई फिर सूरत को देनी पड़ी, बदसूरत कर दी सूरत सारी, मराठों ने जो लूट ली, नाक कट गई बादशाह की, ऐसी शिवराज ने चाल चली। मराठों की फौज जैसे नारायणी सेना चली, मराठों की फौज जैसे नारायणी सेना चली।